और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कांग्रेस में बदलाव हुआ है। अजय राय यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बृजलाल खाबरी की जगह अब अजय राय को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस के। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट कांग्रेसी खेमे से, यूपी कांग्रेस में बदलाव हुआ है। अजय राय को अब यूपी में कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। उनको नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं, मोर्चेबंदी कर रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में संगठन के मामले में भारी बदलाव हो रहे हैं। और अब कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में लगभग मृत प्राय पड़ी हुई है, उसने भी एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने अध्यक्ष को बदल दिया है। पुराने भाजपाई और अब के दिग्गज कांग्रेसी नेता अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई है, जबकि बृजलाल खाबरी को इस पद से हटा दिया गया है। बृजलाल खाबरी का चयन बतौर एक दलित नेता हुआ था, लेकिन उनके इस पूरे कार्यकाल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार रहे और उसके बाद लगातार ये खबरें आती रही कि उनके कहने पर लोग जुट नहीं रहे हैं, वो प्रभावशाली तौर पर सामने नजर नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए अजय राय को अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। कौन है अजय राय, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल अजय राय की जो पहचान है, वो बड़ी पहचान ये है कि वो एक मुखर नेता है। वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और खासकर अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। आप अगर उन्हें बाहुबली कहेंगे तो वो भी, वो एक तरीके से आप उससे इनकार नहीं कर सकते, आएंगे उस कैटेगरी में। लेकिन बड़ी पहचान यह है कि वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव हार भी चुके हैं। दरअसल पहले कभी ये भाजपा में ही हुआ करते थे अजय राय, कांग्रेस से उनका शुरुआती रिश्ता नहीं था। दरअसल अपनी राजनीति की शुरुआत अजय राय ने बीजेपी के साथ की थी और कुलसला विधानसभा से पहली बार वो विधायक बने थे। जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तब वहाँ से, तब कुलसला विधानसभा में वामपंथी पार्टियों का कब्जा था और एक बहुत ही कम वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तब 9 बार के MLA उदय ने उनको चुनाव में हराया था। उसके बाद अगले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए सीट छीनी और वो भी अवधेश राय से। दरअसल इलाके में भूमियार वोट अच्छा खासा है और इस वोट पर अजय राय का एक अच्छा खासा दबदबा है। हालांकि 2009 में बीजेपी के साथ इनके मनमुटाव हो गए। जब 2009 में वाराणसी लोकसभा सीट पर मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतारा गया तो अजय राय ने बगावत कर दी और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए। हालांकि इसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और भद तब पिटी जब अंसारी परिवार और कांग्रेस एक साथ आया और अजय राय जो लगातार अंसारी परिवार के खिलाफ पॉलिटिक्स करते रहे हैं और वहां के समीकरणों के हिसाब से रहे, तब उनको एक बड़ा झटका लगा। फिलहाल ना तो विधायक है ना तो सांसद है, कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनाया है। वो कितना बड़ा बदलाव करेंगे यूपी में, ये एक बड़ी चुनौती है। चुनौतियों की बात करें तो अजय राय के सामने जो बड़ी चुनौती है वो इंडिया गठबंधन फॉर्मेशन के बाद सीट शेयरिंग का होगा कि वो कितनी सीट दिला पाते हैं रायबरेली, और अगर आप अमेठी की बात करें उसके इतर कौन कौन सीटों पर वो दावा ठोकते हैं और क्या वो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बनारस ही उनका कार्यक्षेत्र है और बनारस से ही नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि अब अजय राय की संभावनाओं को लेकर लंबे समय से चर्चा थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है और अब कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर दाव खेला है। हालांकि आपको बता दें कि जातीय समीकरण में अजय राय उस तरीके से मुफीद नहीं बैठते हैं। अजय राय भूमियार हैं जिनका एक वोट परसेंट यूपी में उतना खास नहीं है, लेकिन एक आक्रामक पॉलिटिशियन रहे हैं और क्या वो संगठन को एकजुट कर पाएंगे और 2024 के चुनाव में कोई छवि बनाएंगे। और साथ ही साथ जब भारत जोड़ो यात्रा 2 की जो चर्चा है जो अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुई यूपी में आती है, तो किस तरीके से वो उसका मैनेजमेंट करते हैं, नेताओं से कैसे बातचीत करते हैं, इस पर भी सबकी निगाह होगी। दरअसल अजय राय के संबंध समाजवादी पार्टी से भी अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी का काम करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।